एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। दोस्तों, आप लोगों को एक एक बात बता रहा हूं, मेरी सोशल मीडिया पे ऐसे बाज की तरह निगाहें, और जैसे ही बिग बॉस की जो बहुत ही अनोखी सी खबर आती है, मैं तुरंत उसको पकड़ के आपको तुरंत बता देता हूं। ऐसे में दोस्तों, सारा गुरपाल की कुछ बातें सामने आई हैं कि किस तरीके से वो मुरीद हो रही हैं अभिनव और रुबीना की। जी हाँ, सारा गुरपाल यहां पर दोस्तों लाइव इंटरेक्शन कर रही हैं, और उसी लाइव इंटरेक्शन के दौरान सारा अपने थोड़े से चेंज एक्सेंट में, क्योंकि यहाँ पर है ना वो बड़ी पंजाबी वाली स्टाइल दिखा रही थी, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल लड़की के रूप में दिख रही है वो। सो यहाँ पर वो बोलती हैं कि रुबीना जो है बहुत टेक्निकल बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है, और वहीं अभिनव की अगर बात करें तो अभिनव भी जिस तरीके की नॉलेज रखते हैं वो लाजवाब है, और प्लस बंदा वहीं तो बात करेगा जिसको उतनी नॉलेज है। अगर किसी को कॉफी के बारे में नहीं पता, वो बता रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। एटलीस्ट यहाँ पर कम से कम वो ये तो नहीं बोल रहा कि बॉयफ्रेंड के कच्छों की बात तो नहीं कर रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा निकी तंबोली के लिए टॉन्ट था। वैसे अगर सारा है ना घर पे रहती तो बाइक और निकी का जीना हराम कर देती। मैं तो चाहता हूँ कि सारा वापस आ जाए, सारा वापस आएगी तो धमाल तो होगा ही, और निकी तंबोली को करारा जवाब देगी सारा। वैसे दोस्तों, आपको क्या है कहना इस बारे में? रुबीना और अभिनव की तारीफ कर रही हैं वो, और निकी को इस तरीके से बैश कर रही हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं चैनल में नया हूं, आपका सहयोग और साथ चाहता हूं, सो कमेंट करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। थैंक यू सो मच।